तो दोस्तों एमपी के कमल किशोर जी के यहाँ हमारा स्टेनलेस स्टील का जो आरओ भाई साहब ने हमें ऑर्डर प्लेस किया था वो पहुँच चुका है और सर ने हमें वीडियो भेजी है अनबॉक्सिंग की कि सर हम आपके जो प्रोडक्ट है उसको अनबॉक्स कर रहे हैं, उसकी वीडियो आपको दिखाते हैं। तो हमने कहा चलो ये वीडियो अपने और भी सब्सक्राइबर्स को दिखाई जाए कि भाई अगर आप हमारे से ऑर्डर प्लेस हमें आरओ का ऑर्डर प्लेस करते हैं, कहीं भी अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर आरओ चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए। और भाई साहब ने ये स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंक में आरओ बनवाया है तो अरुण जी हमें बढ़िया सा आरओ बना के दीजिए। भाई साहब ने 1.5-2 महीने पहले हमारे से बात की थी तो इनका कहना था कि अरुण जी हम आपको 1-2 महीने बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे, लेना हमने आपसे ही आरओ है। और हमने भाई साहब को बहुत से मॉडल्स वगैरह दिखाए लेकिन सर ने जो अभी अनबॉक्सिंग हो रही है वाटर प्योरीफायर की स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंक में ये वाटर प्योरीफायर असेंबल करवाया। अच्छा, ये लेने को इनका वही कहना कि अरुण जी हमें बजट की कोई टेंशन नहीं है, लेने को हम ब्रांडेड भी ले सकते हैं 20-22 हज़ार रुपये का, लेकिन अब जिस डीप तरीके से आपने सारी चीज़ें हमें क्लियर की और हमें भी ये था कि हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा लें अपना वाटर प्योरीफायर, तो वैसे तो कोई बात ही नहीं, उससे अच्छे तो फिर कोई बात नहीं होगी, तो इसलिए हमने आपसे अपना वाटर प्योरीफायर बनवाया है। और जैसा हमें टैंक चाहिए था डिटैचेबल, भाई जो स्टेनलेस स्टील का जो टैंक है वो डिटैच हो जाए ईजिली कि इवन हाउस वाइफ भी जो है उसे ईजिली निकाल ले और उसको क्लीन करके दोबारा उसे यूज़ कर पाए, मतलब लगा दिया जाए ईजिली, कोई दिक्कत ना हो। तो ये बॉक्स थोड़ा बड़ा रहता है हमारे ब्लू माउंट स्टील गार्ड का जो आरओ का बॉक्स रहता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन भाई साहब ने बहुत पेशेंस रख के इसको अनबॉक्स किया। और ठीक है, आदमी को नहीं पता होता कि किस टाइप से पैकिंग हो के आया, अपनी तरफ से वो सेफ्टी से इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए फुल थर्माकोल है, फुल थर्माकोल पैकिंग में ही आया हुआ है। भैया टाइम तो ज़रूर लगता है हमारी पैकिंग खोलने में, आप लोग कई बार परेशान भी हो जाते हैं, अरुण जी आप पैकिंग खोलने में इतना टाइम लग जाता है, भैया क्या करें, अब वो सेफ्टी से तो पहुंचाना होता है ना, भाई डैमेज ना हो, टाइम भले लग जाए कोई दिक्कत नहीं, 5-10 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन भैया कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, हमारी ये कोशिश रहती है। टचवुड दिक्कत कोई आती भी नहीं है, बहुत पार्सल अगर भेजते हो उसमें कोई माइनर से कोई दिक्कत आ जाए तो आ जाए। तो भाई साहब थोड़ी टेक्निक देख रहे हैं कि इसे निकाले कैसे, तो अब इसको ये बॉक्स को उल्टा कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हम भी पेशेंस रखते हैं, देखते हैं कैसे सर थोड़ा कोशिश कर रहे हैं इसको अनबॉक्स करने की। तो दोस्तों आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सारे बेल आइकन वगैरह जो हैं उनको सबको प्रेस कर लीजिए, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगे। डोमेस्टिक आरओ से रिलेटेड 25-50-100 LPH आरओ से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई वीडियो आपको चाहिए, कोई समस्या आ रही है, किसी ब्रांड का वाटर प्योरीफायर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको उस समस्या का समाधान मिल जाए। हमारी वीडियो जो हमने अपने चैनल पे लगभग 1400-1500 वीडियो अपलोड की हुई हैं, आपके मतलब कि कोई ना कोई वीडियो ज़रूर होगी जिस प्रॉब्लम से आप वाटर प्योरीफायर में अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका कैसे समाधान किया जा सकता है, उसको कैसे रिजोल्व किया जा सकता है उस कंप्लेंट को, ये सारी वीडियो हमने अपलोड की हुई हैं। तो ये लीजिए, ये भाई साहब ने एटलीस्ट फुल थर्माकोल जो है वो तो निकाल लिया, अब आरओ को भी बाहर निकालेंगे। स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंक, डिटैचेबल टैंक और सभी लेटेस्ट फीचर्स, आरओ यूवी टीडीएस एडजस्टर और ये सिल्वर नैनो डिसइंफेक्टेंट सब कुछ। अच्छा, ये फीचर तो सारे दिए लेकिन सर ने ब्रांड से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि अरुण जी जो अंदर पार्ट्स लगाएंगे वो सारे पैसे, हमें पता है आप क्या ब्रांड्स यूज़ करते हैं इसीलिए हमने आपको ऑर्डर भी प्लेस किया, राम भरोसे वाली आप कोई चीज़ नहीं यूज़ करते, नहीं तो आप दिल्ली में और हम एमपी में क्यों मंगवाते आपसे। और एमपी के जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बहुत प्यार देते हैं हमारे से। अच्छा, मैक्सिमम हमने ये देखा है कि हमारे एमपी के सब्सक्राइबर, मतलब हमारा ये पर्सनल थिंकिंग रही होगी या ज़रूरी नहीं है, वहाँ मैक्सिमम जो वाटर प्योरीफायर हमारे इस बार गए हैं वो स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंक वाले ही गए हैं, जबकि अदर स्टेट में इतने नहीं गए स्टेनलेस स्टील टैंक में, और दूसरा अदर कैबिनेट भी गया लेकिन एमपी साइड में हमने एक चीज़ नोटिस की कि स्टील वाले ही ज़्यादा गए हैं।
तो कोई बात नहीं, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, डिमांड होती है। तो ये फाइनल भाई साहब ने थर्माकोल हटा दिया। एक्चुअली ना इस कैबिनेट का जो साइज है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। ये देखिए भाई साहब कितना बेहतरीन इसकी लुक आ रही है। फ्रंट से गोल्डन शेड आ रही है टैंक की, बैक साइड में सारे फिल्टर्स हैं। और अभी आपको दिखाएंगे भाई साहब कैसे इसको टैंक को निकालेंगे। तो दोस्तों आप भी वेट मत कीजिए, अगर कोई बढ़िया सा वाटर प्योरीफायर चाहिए तो संपर्क कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए किस टाइप के वाटर प्योरीफायर की रिक्वायरमेंट है, आपको बढ़िया सा वाटर प्योरीफायर बना के दिया जाएगा। ये इसका फ्लोट वाल हो गया ऊपर, टैंक में जो पानी के फ्लो पानी की सप्लाई को ऑफ कर देता है टैंक भरने पे। इसमें सारी एसेसरी आप देखेंगे, ये इस टाइप से भाई साहब ने टैंक हटा दिया। देखिए कितना ईजी, टैंक साफ करो और दोबारा इसको ऐसे लगा दो, ऊपर से ढक्कन हटाओ इसका और टैंक को अंदर इंसर्ट करो, स्लॉट में बिठाओ और आपका टैंक क्लीन करके बिठा सकते हैं। टैंक में ही सारी एसेसरी, पाइप कनेक्टर और इसके जो प्री फिल्टर बोतल एक्स्ट्रा फिल्टर वगैरह जो कुछ भी रहता है वो सारा इसी के अंदर टैंक के अंदर ही भाई साहब को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और कोई वाटर प्योरीफायर बनवाना है तो सोचिए मत, संपर्क ज़रूर कीजिए, संपर्क करेंगे तभी तो कुछ आपको मतलब दे पाएंगे कि भाई वाटर प्योरीफायर किस टाइप का हम दे रहे हैं, तभी जानकारी आपको मिल पाएगी। ये पाइप निकाल लिया, ये एक्सेसरी निकाल ली,